नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं ना बेडमी पूरी बनाने जा रही हूँ। इसको बेड़े ही भी कहते हैं, बेडमी भी कहते हैं, और उसको आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। यूपी की मशहूर चीज़ है, मशहूर रेसिपी डिश है ये। मैंने पहली बार इसको मथुरा में खाया था, और ये रेसिपी मैं आज इस तरह से बनाऊँगी कि जब आपका मन चाहे, जब आप चाहें कि फटाफट बना के इंस्टेंटली खाना चाहें खा सकें। तो आइए बनाते हैं। मैंने ये एक कटोरी सफ़ेद उड़द की दाल ले ली है, धुली हुई उड़द की दाल। इसको मैंने अच्छे से 5-6 पानी से धो के और टॉवल पे सुखा के इसको थोड़ा रोस्ट कर लिया है। इसको जलाना नहीं है, बहुत मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रोस्ट करना है कि इस तरह से इसमें ये भुन जाए, आवाज़ आने लग जाए। फिर हम इसको दरदरी पीस लेंगे। देखिए ये मैंने दाल पीस ली है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बारीक है, ये दरदरी पीस लिए। अब इसके अंदर हम लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा हींग डाल देंगे, क्योंकि बेड़े ही का में जो मज़ा है ना, वो हींग का आता है। और ये मिक्स है, इसका फिल करके बनाएंगे हम बेड़े को, तो ये प्री मिक्स हो गया। इस एक तरह से इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं, किसी कंटेनर में पूरा 1-1.5 महीने के लिए आप रख सकते हैं, या तो फ्रिज में रख दीजिए, बाहर रखना चाहें बाहर भी रख सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने ये दरदरी कुटी हुई सौंफ ले ली है। हींग और सौंफ का टेस्ट बेड़े में बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया है, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच मैंने ले लिए इसमें लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक, और लगभग 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अपना रेगुलर नमक। आप चाहें अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है, और जिस कटोरी के नाप से हमने दाल ली थी ना, उसी कटोरी के नाप से हम इसमें पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस प्रीमिक्स को मिक्स करेंगे। आप ये मिक्स बना के रख लीजिए, और जब जी चाहे तब बेड़े बना के खाइए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बना के रख लेती हूँ और जब इच्छा होती है तब यूज़ कर लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, इससे क्या होगा ना, ये दाल जो है ये फूलेगी। और इसको हमें मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम इसको। पानी हम जो डाल रहे हैं, दाल सोख लेगी और दाल फूल जाएगी। ये लगभग मेरा 1 कटोरी पानी इसमें यूज हो गया है। ये 10 से 15 मिनट के लिए अपन इसको मिक्स को ढक के रख देंगे। अब हम बेड़े की पूरी बनाने के लिए आटा लगाते हैं। बेड़े के आटे के लिए 1 कटोरी मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, इसी नाप से 1 कटोरी ले लिया है मैदा, और इसी नाप से 1 कटोरी सूजी, तीनों बराबर मात्रा में मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। इस आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैं अजवाइन डाल रही हूँ, क्रश करके डालेंगे, और थोड़ी कसूरी मेथी, इसको भी हम क्रश करके डालेंगे। अब इसमें मोइन के लिए हम तेल और घी दोनों यूज़ करेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेंगे, और इसी नाप से 2 चम्मच हम डाल लेंगे घी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसको जिस तरह से हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, उस हिसाब से आटा लगा लेंगे। यह आटा लग चुका है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और अपन सब्जी की तैयारी करते हैं। सब्जी के लिए मैं कुकर में 3 चम्मच
तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में बनाएं, चाहे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसमें अपन डाल देंगे लाल मिर्च, दो लाल मिर्च लिए मैंने सूखी, और एक से दो तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच हींग। अब इसमें डालेंगे हम हमारी ग्रेटेड अदरक, 1 इंच अदरक ली है, 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं बारीक कटी हुई, वो इसमें डाल के थोड़ा सा इसको चला लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और फिर अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं 3 से 4 टमाटर। अब हम इस टमाटर को और मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। टमाटर अच्छे से भून गए हैं, इन्होंने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। आप चाहें तो जो हम चने खाते हैं ना भुने हुए, उसका भी बेसन बना के डाल सकते हैं, इससे बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट मिलेगा। 1 चम्मच लगभग हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग का पाउडर बना के डाल देंगे। अब इससे इतना अच्छा फ्लेवर आने वाला है, इतना अच्छा अरोमा आने वाला है सब्जी में, मज़ा आ जाएगा, दूर से खुशबू पता चल जाएगी कि हाँ बहुत बढ़िया कुछ बनी हुई है सब्जी। अब इसको अच्छे से थोड़ा इसके साथ भूनेंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाला भूनने के लिए, और अच्छे से इसको भून देंगे। मस्त खुशबू आने लग गई है, ये छूट गया है अच्छे से। अब हम इसमें अपने आलू डाल देंगे, ये मैंने 1/2 किलो का लगभग आलू ले लिए हैं बॉईल करके, इनको हाथों से क्रश कर लिया है। इसके साथ मिलाइए, चाहे तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, सीजन में अगर बना रहे हैं तो फ्रेश मटर ले लीजिए, नहीं तो फ्रोजन ले लीजिए। वैसे मैं इसको सर्दियों में तो बनाती ही बनाती हूँ, मोस्टली मैं इसको बनाती हूँ होली पे, या थोड़ी जब बारिश वारिश हो रही हो, मॉनसून आया, अच्छा मौसम हो रहा है, जैसे अभी जब अपना चल रहा है तब। बढ़िया से सारा मसाला इसके अंदर जब्ज हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 ग्लास के करीब पानी, क्योंकि ये सब्जी जो है हमें खानी है पूरी के साथ, बेड़े ही के साथ, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। अब इसको हम रख देंगे बनने, आलू और ये सब इसके अंदर अच्छे से मसाला सारा इसमें फ्लेवर आ जाए। मेरी कंसिस्टेंसी मेरे को यही चाहिए, आपको ज़्यादा पतला या गाढ़ा करना हो तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, जो कि मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए, मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको हम ढक के पकने देंगे। ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है, मटर भी मेरे गल चुके हैं और आलू तो मेरे उबले हुए थे, वो मिक्स हो चुके हैं इसके साथ, देखिए बढ़िया से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैजिक और, 1 चम्मच के लगभग अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी भर काला नमक, थोड़ी कसूरी मेथी, और जो इसका टेस्ट आएगा ना 4 गुना हो के आएगा। गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया। बस ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब हम अपनी पूरियां बना लें। 3 मिनट्स हो चुके हैं, अब वो जो पानी हमने इसमें डाल के भिगोई थी दाल को, ये बिल्कुल सूखी हो गई है,
इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको लेवल कर देंगे, 1 से 2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको हमको फिल कर भरना है उसके अंदर, पूरी में फिलिंग बनानी है इसकी। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे, जैसे गोली बनाते हैं ना, 1 चम्मच लिया छोटा सा लेके इस तरह से लोई बना बना के रख देंगे, गोलियां बना लेंगे हम सारी। ये हमारी फिलिंग बन के रेडी है और ये आटा भी हमारा अब तैयार हो चुका है, देखिए ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड, इस तरह से हमें इसका आटा चाहिए। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे, देखिए इस साइज की पेड़े तोड़ लेंगे, थोड़े पूरी से बड़े, रोटी के रोटी बनाते हैं ना अपन उस टाइप के, ये देखिए। इस लोई को हमें हाथ से इस तरह से पकड़ना है और एक बॉल उठाएंगे, इसके अंदर रखेंगे और फिर इसको चारों तरफ से अच्छे से ऊपर ले लेंगे, दबा के रख दीजिए। अभी हमने हाथों से प्रेड कर लिया, अभी थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको बेल लीजिए, इससे इसका मसाला पूरे इसके अंदर कचौड़ी में हमारी मिल जाए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का मतलब थोड़ा गर्म होना चाहिए, जिस तरह से हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं उसका होता है ना, स्मोकी स्मोकी नहीं चाहिए तेल, थोड़ा हल्का गर्म, क्योंकि हमें इसको अंदर तक पकाना है। फूल के बहुत बढ़िया सी अच्छी सी बेड़ी बनके हमारी तैयार होगी, और इसकी एक खासियत ये भी है कि हम 1 से 2 भी खा सकते हैं, जो 2 कचौड़ी खाते हैं वो 4 बेड़े आराम से खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सी फूल के तैयार हुई है और क्रिस्पी रहेगी ना, मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ना सोडा वोडा कुछ डाला है, ये मेरी बाजार स्टाइल बेड़े ही और आलू की सब्जी बन के तैयार है। मैंने इसको डोने में सर्व करा है बाजार का वो फील लेने के लिए, आप चाहे तो कटोरी और प्लेट में करिए और देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। अब आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।